अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो मौसम आज भी बहुत प्यारा बना हुआ है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, मज़े की। तो इसी के साथ बस अपने ब्लॉग का है ना आगाज़ करते हैं। तो बस अल्लाह करे कि आप सब ठीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। जी 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 वही तो अभी मैं ले दी हूँ ओला, अब मैं जाऊँगा ट्यूशन। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, बादल भी वाइट और मौसम भी वाइट है। तो अभी है ना हमजा जाने लगा है ट्यूशन, और है ना अच्छे से पढ़ाई करो। माँ बाप का नाम, हाँ सबसे ज्यादा ठंडा है, माँ बाप का नाम रोशन करो। चल जाओ, बाय फादिया, जाओ आप नीचे हैं जाओ। तो भाई अभी यहाँ पे है ना मैं बना रही हूँ जामे शीरी सबके लिए। तो है ना मैं पानी पीने आई थी, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है तो मैंने सोचा कि ना सबके लिए बना लेती हूँ, सब पी लेंगे। तो है ना खैर सबके लिए बना के ले चलते हैं, आपा है बाबर मैं बच्चे। और अब जब है ना ये मैंने बना लिया है, तो अब मुझे याद आया कि रात हम शक्कर और सत्तू लाए थे, तो वो बना लेती, लेकिन खैर अभी तो बन गया तो बस लेके चलते हैं सबके पास। इस बच्चे को नहलाने के चक्कर में मैं पूरी गीली हो गई, ऐसे रो रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। और अभी नहाया तो अभी सुकून से सो जाएगा, इसे मज़ा आएगा। बस मुझे पूरा गीला कर दिया इसने, समझ नहीं आ रही ये नहाया या मैं नहाई हूँ, गंदा बच्चा। तो भाई अभी यहाँ पे आज बन रहे फादिया और मेरी फरमाइश पे पुलाओ, क्योंकि फादिया को भी मेरी तरह बहुत पसंद है वो आपा आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे भी फादिया मेरे ऊपर गई है बिल्कुल, जो मुझे चीज़ें पसंद है वही उसे भी पसंद है। तो अभी है ना हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए, हाँ इसको भी अब गर्मी हो रही है, तो है ना अब जा रहे हैं बाहर। तो पुलाव हमारे रेडी हो चुका था, वहीं बाहर जाके खाएंगे। हम लोग यहाँ सीवीओ पहुँच चुके हैं, तो आज मंडे फिर भी इतना ज़्यादा रश है। इसको यहाँ मैंने नीचे सुला दिया, ये रहा हमारा सामान, आपा भी खड़ी है, ये भी यहाँ पे, हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से। देखिए इतना प्यारा बना हुआ है, और ये जो है ना वो बच्चों के खिलौने बने होते हैं पंखे से, तो वो है ना उड़ रहे हैं ना। अभी हमने खाना स्टार्ट कर दिया, सर भी खा रहे और मैं अभी आपा भी खा रहे, उसके बाद ना बच्चे खेलेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। बाबर और है ना हमजा अमीर ये बैट बॉल खेल रहे, और है ना बारिश भी आ रही है आपा, बारिश बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। वगैरह उठा लिया है यहाँ से, बस मैं ना खड़ी हूँ कि अगर तेज़ होती है ज़्यादा तो बस जल्दी जल्दी जाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर भी एक आ गई पानी की बूंद, तो यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं, बस चलते हैं। इन दोनों का यही काम है, क्या खा रहे हो दोनों? ये देखो ऊपर बैठ के ना, तुम लोगों की यही जगह है, नीचे बैठो। तो कोई हाल नहीं है तुम दोनों के, बारिश रुक गई थी, अब फिर से जब हम लोग घर पहुंच गए तो अब फिर से है ना हो रही है बारिश, बहुत ही मज़े की। और हवा भी इतनी ज़बरदस्त चली हुई है ना, क्या बताऊँ, बहुत प्यारी सी हवा और हल्की हल्की सी बारिश, क्या कहने। तो अब दिल कर रहा है कि जल्दी से चाय बनाऊँ, लेकिन मेरा फिर वही है कि मैं चाय बनाने गई तो ये बारिश भी नहीं देख पाऊँगी, और उसके अलावा ये होगा कि ना हो सकता है बारिश ख़त्म भी हो जाए। तो खैर एक दो मिनट यहाँ पे खिड़की में रुकती हूँ, हवा और बारिश का मज़ा लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाते हैं। अभी मेरी चाय बन चुकी थी, हम बहने चाय पी रहे हैं, आपा विंडो में खड़ी होकर पी रही है, और आपा के काम देखे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, कहती है अपना रूम लॉक करके जाएगी। तो आपा आपको क्या लगता है मैं रूम लॉक करके जाऊँगी? आपा के भी कोई हाल नहीं लॉक करके जा सकती ना, फिर आपने ऐसा क्यों सोचा? तो ये है ना बस अभी चाय पी रहे हैं, चाय पी के उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिलहाल तो चाय मज़े की, और बाहर से जो ठंडी हवा आ रही है ना, और बाबर मूवी देख रहे, इतनी ज़्यादा आवाज़ की हुई है कि मैं बार बार कहती हूँ कम करो, कहते नहीं ये ऊँची आवाज़ में मूवी अच्छी लग रही है। तो इंग्लिश मूवी है इसीलिए मैं नहीं देख रही, मैं ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखती। मोटू पतलू देख रहे, और फादिया ने अंगूर धो के मुझे प्लेट में दे गया कि ये साथ साथ खाते रहो, कार्टून भी देखो। यहाँ से मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया, अभी है ना बेडशीट चेंज कर दे, तो सारा दिन है ना नहीं की मैंने, करती हूँ, तो है ना अभी मुझे है ना टाइम मिला है, तो अभी फ्री हुई हूँ बाहर से होके आए, तो अभी रात के टाइम है ना अभी भी है ना चेंज वेंज करके सो जाऊँगी, रूम बिल्कुल साफ़ होगा। वैसे मेरी आदत है मैं सोने से पहले डेली है ना रूम साफ़ करके सोती हूँ, और है ना आज फिर बेडशीट भी चेंज करके सो दूँगी। अभी तो खैर काफ़ी टाइम है सोने में, अभी बाबर गए हुए हैं क्या दूध और बर्फ़ लेने, उसके बाद हम लोग बनाएंगे शेक, चाय वगैरह तो आज टाइम से पी ली है, तो शेक वगैरह पीते हैं उसके बाद ये ना सोएंगे। ये देखिए बेडशीट भी मैंने बिछा ली है, और ये है ना डेली आप है ना टेबल यहाँ पे रख के साथ चेयर्स रख देती हैं, तो ये है ना आपा का आइडिया है, वो डेली है ना चेयर्स को ला के यहाँ पर रख देती हैं। खैर मैंने भी रखी हुई है क्योंकि इस रूम में ज़्यादा होते थे नहीं,
होते तो टीवी लाउंज में, या फिर है ना गर्मी जब ज़्यादा होती है तो आपा के रूम में, क्योंकि एसी की वजह से, वरना है ना नहीं। हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट हम लोग आए हैं यहाँ पे है ना बर्गर खाने। हाँ ये देखो बर्गर खाने आए हैं, तो बस है ना ऑर्डर हमारा आ चुका है, तो बस अभी खाना स्टार्ट करते हैं ऐसे हमजा। हाँ हाँ ऐसी है, ये भी खाएगा ना। हाँ मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अपन ने देखे शेक के लिए ना मैंगोज भी कट करके रख दिया और बर्फ आ चुकी है, तो बस अभी है ना अपना शेक बाबर खा लें, बर्गर तो बनाते हैं। ये मीर साहब क्या सारा दिन इस पे देखते रहते, मुझे समझ नहीं आती। ये अब पता नहीं कोई सिंधी विंधी मेरे ख्याल में कोई गाना लगा है, तो ये ना काऊ मंकी पता नहीं क्या कुछ देखता है मेरा शहजादा सारा दिन। बंद करो बंद करो बंद करो, चले बंद कर दो। हमारा शेक रेडी हो चुका है, तो पहले पहले मैं ना आपा के पास लाई हूँ कि आपा पे। हाँ ठंडा तो है, मज़े का है ठंडा ठंडा। मैं तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए पीऊँगी, फिर रख दो आप भी। तो आज के ब्लॉग का ना यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप लोग कब जा रहे हैं कब जा रहे हैं, तो अभी मतलब कुछ पता नहीं है, अभी हम लोग चले जाते हैं जल्दी। 28 को है इसकी हमजा की बर्थडे, और मीर की भी नहीं की थी, तो इनकी बर्थडे करनी है। बर्थडे के अलावा कि आपा के कुछ काम है जो आपा ने कहा है मेरे काम करके फिर जाना। आपा के रूम में मतलब वॉलपेपर का काम करवाना है, और एक वॉशरूम बनवाना है, बच्चियों का आईपैड बनवाना है, फादिया का एडमिशन का है, और हाँ और किचन का है ना कैबिनेट टूट गया तो उसका भी काम करवाना है। तो अब देखें कौन कौन से करवा सकते हैं। तो आपा ने कहा है कि मेरी रिक्वेस्ट है काम करवा के फिर जाओ, कि मैं पीछे कैसे करूँगी। तो खैर फिर अभी ये भी करवाने हैं, उसके अलावा बर्थडे है, बर्थडे का भी करना है, तो अब देखें फिर रहना इंशाल्लाह। और वैसे तो मैंने पैकिंग अब है ना आज या कल से मैंने पैकिंग स्टार्ट कर देनी है। मीर बुरी बात, पैकिंग क्योंकि टाइम लगेगा, साफ ज़ाहिर है ना कर्टन वगैरह लेने पड़ेंगे उसमें डालना करना, तो मैंने तो आज या कल से पैकिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जैसे ही ये काम ख़त्म होंगे ना आपा के तो हम लोग इंशाल्लाह फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी यही था कि 28 को हमजा की बर्थडे, तो वो करके हम लोग चले जाएंगे, लेकिन फिर जो आपा के काम है ना इनमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा, और 28 तक तो नहीं ख़त्म होंगे, तो बस जैसे ही ये ख़त्म होंगे फिर हम लोग है ना चले जाएंगे यहाँ से। और उसके अलावा काफ़ी मतलब टेंशन में, इतनी मेरा दिमाग ख़राब था कि है ना मूसा रूम में सो रहा था, वहाँ के मैंने लाइट पंखे बंद करके ना इस रूम में आ गई, मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है। तो जब कोई नहीं मिलता ना तो टारगेट सुमेरा होती है, तो तब है ना सुमेरा के पता नहीं कौन से राज हैं जो फाश करने की बातें होती हैं, और सुमेरा के पीछे पड़ जाते हैं सब। खैर क्या कह सकते हैं भाई, वक्त आने पर तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।